अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। अब मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से आज का ये वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं। मैं अंसारी राशिद अख्तर आप सभी का वर्चुअल क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। 10वीं जमात में आज हमारी फर्स्ट पोएम देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ टीनेजर्स प्रेयर। अ टीनेजर्स प्रेयर, ये आप जैसे ही बच्चों की एक कहानी है, आपके जैसे ही एक स्टूडेंट है जो प्रेयर कर रहा है ना। शुरुआत करेंगे हम वार्मिंग अप से। वार्मिंग अप में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं बच्चों, आपको याद रखना है। ये जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज हैं, ये दरअसल हमारी नॉलेज, हमारी लैंग्वेज की स्किल्स और हमारा कम्युनिकेटिव स्किल, इन चीज़ों की जांच के लिए होती है कि हमें कितना इंग्लिश यूज करते हुए आता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ग्रामर एक्टिविटीज, राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस, पैसेज में से कैसे जवाब तलाश करना है, ये तो आता है, लेकिन उस लैंग्वेज को आप अपने जुमलों में किस तरह यूज करेंगे, इसीलिए ये एक्टिविटीज दी हुई है जो वार्मिंग अप में होती है। वार्मिंग अप में पहला सेक्शन है चिट चैट का, जिसमें यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हेन यू हैव टू टेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, व्हाट डू यू जनरली डू। व्हेन यू हैव टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस, व्हाट डू यू जनरली डू ना। ऐसा बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा अहम डिसीजन लेना हो, कोई अहम फैसला करना हो जो हमारी जिंदगी में काफी अहमियत रखता हो, तो ऐसे में हम अलग अलग तरीके से उस फैसले पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस के बारे में कहा गया है कि आप इसको 1 to 5 रेटिंग दीजिए। 1 to 5 रेटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप किस चीज को ज्यादा प्रीफर करते हैं तो आप उसे 5 रेटिंग्स देंगे, जिस चीज को आप कम प्रीफर करते हो उसे 4, 3, 2, 1 है ना। जिस चीज को आप बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करेंगे उसको आप 1 या 0 रेटिंग भी दे सकते हो ना। रेटिंग बच्चों, एक चीज ध्यान रखें, रेटिंग ये एक सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी चीज के पसंद, नापसंद, यूजफुल, यूजफुलनेस और यूजलेस चीजों को हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं ना। आजकल आप सभी बच्चे ये वीडियो एंड्रॉयड फ़ोन पर देख रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में भी जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप के साथ स्टार्स बने हुए होते हैं। उन स्टार्स में 5 स्टार होते हैं तो किसी ऐप को 3 स्टार रेटिंग दी हुई होती है, किसी को 4 दी हुई होती है, किसी को 4.5, किसी को 5 भी दिया हुआ होता है। तो ये जो रेटिंग का सिस्टम है, इसके जरिए किसी भी चीज के यूजफुल होने या यूजलेस होने से हमें समझ में आता है। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है हमें उसको गौर करना है कि हम अपने तौर। अच्छा, एक चीज और बच्चों, यहाँ पर ये ऐसा जो क्वेश्चन जो होता है उसके आंसर्स राइट और रॉन्ग नहीं होते, बल्कि सबका अपना अपना एक आंसर होता है। ऑप्शंस में पहला है कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स। हम पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, उस पर हम बात करेंगे। बी है कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस। सी है प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। डी है थिंक डीपली इन साइलेंस। ई आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। और एफ है टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। तो ये अभी 6 एडवाइसेस ऐसे हैं जिसमें हमें इन बातों को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जब हमें फैसला करना हो तो हम भी इन हालात से गुजरते हैं, हम भी इनमें से कुछ चीजों को करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इसमें से कौन सी चीजें करना सही है या कौन सी चीजें करना गलत है, बल्कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन 6 पॉइंट्स की मदद से आप ये बताइए कि आप
किस काम को ज्यादा करना चाहेंगे और किस काम को कम करते हैं। जिस काम को आप ज्यादा करते हो उसे 5 रेटिंग देना है, जिस काम को आप कम करते हैं तो कितना कम करते हैं उसके लिहाज से 1, 2, 3, 4 इस तरह से रेटिंग देना होगी। चलिए सबसे पहला है कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स, है ना। अच्छा यहाँ पर हमने रेटिंग उसको नहीं दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से है और हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बात में अपने पेरेंट्स से फ्रीली बातचीत कर सकते हैं, फ्रीली उनसे चीजों को शेयर करते हैं। तो जो ऐसे बच्चे रहेंगे वो कहेंगे कि भी कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स, इसको हम 5 रेटिंग देंगे। देन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो अपने फ्रेंड से एडवाइस लेना पसंद करते हैं, तो वो बी ऑप्शन को 5 रेटिंग देगा। शायद वो अपने पेरेंट्स से इतना फ्रीली नहीं पूछेंगे तो वो ऑप्शन ए को 3 या 4 भी दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स से बात तो करते हैं। उसके सी है प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। जो बच्चे मजहबी नजरिया रखते हैं या इबादत में ज्यादा यकीन रखते हैं, हर चीज में वो खुदा की तरफ रुजू होते हैं, दुआएं करते हैं, तो ऐसा कोई अगर स्टूडेंट होगा तो सी ऑप्शन को 5 रेटिंग देगा। उसका डी है थिंक डीपली इन साइलेंस, खामोश रहकर पूरी तवज्जो के साथ उस बात पर गौर खोज करना। थिंक डीपली का मतलब होता है गौर खोज करना, सोचना कि भाई क्या सही होगा, क्या हम ऐसा करते हैं तो ये फायदा मंद है या नुकसान दे। जो भी काम करने जा रहे हैं उसको डिसाइड करने से पहले अगर हम ज्यादा सोच रहे हैं, यानी जो बच्चा डी ऑप्शन को 5 रेटिंग देगा उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से कंसल्ट नहीं करता। तो सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट हो जाएगा। देन ऑप्शन ई भी है आस्क योर टीचर्स फॉर हेल्प, और ऑप्शन एफ है टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। तो बच्चों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन सवालात में कहीं पर भी रॉन्ग आंसर नहीं है, बल्कि हमें इन सवालात में अपने अपने तौर से बताना है कि आप इन 6 बातों में से किस चीज को ज्यादा करते हैं जब आपको कोई फैसला करना होता है, और उसके बाद उससे कम कौन सी चीज होगी, उससे कम इस तरह से आप रेटिंग दे सकते हो कि एक चीज को आप 5 देंगे, दूसरे को 4 भी दे सकते हैं, तीसरे को 3, उसके बाद किसी और बात को हम 4th, और किसी और बात को हम 1। इस तरह से अलग अलग रेटिंग दे सकते हैं, अलग अलग रेटिंग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चिट चैट के बाद। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच जो इस पोएम में खास तौर से आ रही है, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान रखना रहेगा, ये कई सारी पोएम्स में आ रही होगी। एपोस्ट्रॉफी के बारे में डेफिनेशन हमारी बुक में दिया हुआ है कि इन अ पोएट्री वेरी ऑफन देर आर लाइन्स इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली टू एन एब्सेंट पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थिंग और द ऑब्जेक्ट। के पोएट जो होता है वो किसी ऐसी चीज से बात कर रहा होता है जो एब्सेंट हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट यानि जो वाजे तौर पे नहीं है, मतलब जैसे हम बात करते हैं तो टॉकिंग का अमल किससे होता है, इंसानों से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि दीवारों से बात कर रहा है, कुर्सी से बात कर रहा है, आईने से बात कर रहा है, तो ये जो इस तरह से बात की जा रही है, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थिंग और ऑब्जेक्ट। तो जब पोएट इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पर वो किसी गैर जानदार, किसी गैर हाजिर चीज को एड्रेस कर रहा हो, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हमने कई क्लासेस में इससे पहले पढ़ा हुआ है। एक जो मोस्ट कॉमन और इजिएस्ट एग्जाम्पल है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। देखिए यहां पर पोएट जो है वो व्हाट यू आर कह रहा है, और यू यानी क्या, वो स्टार्स को एड्रेस कर रहा है, उनको मुखातिब कर रहा है, जबकि स्टार्स जो है वो एक गैर जानदार चीजें हैं। इसी तरह इस लाइन को देखिए, डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, है ना। देखिए यहां पर ये जो दाई है ये ओल्ड इंग्लिश में यू के लिए यूज किया जाता है। वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा स्टिंग कहाँ गया, मतलब तुम किस तरह से मुझे मारोगे, तुम कैसे मुझे डस लोगे, और किसको मुखातिब हो रहे हैं, डेथ को कह रहे हैं। तो डेथ ये कोई चीज या इंसान तो नहीं है। इसी तरह ओ कैव मैन आई विश आई कुड लिव विद यू,
है ना, यहाँ पर ओ क्योमैन, क्योमैन को एड्रेस करके इस तरह से एपोस्ट्रॉफी की एग्जाम्पल है। अब इस पोएम में भी एपोस्ट्रॉफी को यूज किया हुआ है, जहां पर आप ही की तरह जो एक स्टूडेंट है वो गॉड को एड्रेस कर रहा है, वो कहता है ओ गॉड, या लॉर्ड गॉड को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर नज्म पर, नज्म और उसके एक्सप्लेनेशन से पहले, चूंकि ये हमारी फर्स्ट पोएम है, उसके की कुछ चीजों को आपको ध्यान रख लेना है जो हर पोएम में हमें याद रखनी रहेगी कि ये चीजें क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा ये आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन हम इसलिए रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि किसी को कोई डाउट बाकी ना रहे। सबसे ऊपर ये जो लिखा हुआ है अ टीनेजर्स प्रेयर, ये क्या है? तो इसे कहा जाता है टाइटल ऑफ द पोएम। तो आपको क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, तो आपको याद रखना है कि टाइटल जो है वो हमेशा इस तरह से टॉप पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर ये जो मार्क किया लास्ट में, जो नज्म के आखिर में राइट हैंड पर थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है जे मॉर्स। जे मॉर्स ये नाम है, किसका नाम है? उसे हम पोएट या फिर ऑथर कहते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम के पोएट जो है वो जे मॉर्स है, जहां पर वो एक टीनेजर क्या होता है वो हम आगे अभी बात करने वाले हैं, उसके फीलिंग्स को बता रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए इतना जो ये बॉक्स हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये बॉक्स दरअसल क्या कहलाता है? इसे कहते हैं स्टांजा, है ना। जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हम पैराग्राफ्स कहते हैं, लेकिन पोएम में जो इस तरह की लाइंस का एक ग्रुप होता है, एक जो बंच होता है, उसे स्टांजा कहते हैं। तो आपको याद रखना है स्टांजा। अब स्टांजा की जब बात चली है, स्टांजा को थोड़ा हम बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर इस स्टांजा में अगर हम गौर करें तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है। स्टांजा में ये दूसरी और चौथी, है ना, सेकंड और फोर्थ जो लाइन है उसके दोनों लास्ट वर्ड्स को देखिए। यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं मेक टेक। मेक और टेक जो इस तरह से सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो इन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो बहुत सारी पोएम्स में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, जहां पर राइमिंग वर्ड्स एक ही तरतीब में आ रहे होते हैं। तो यहां पर मेक एंड टेक ये राइमिंग वर्ड्स आ गए हैं। बच्चे यहाँ पर जो पोएम का टाइटल है अ टीनेजर्स प्रेयर, लव्स अ टीनेजर अपने आप में एक बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है, है ना। टीनेज एक एज ग्रुप है जो जनरली 13 से लेकर 19 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, इस ग्रुप को टीनेज ग्रुप कहा जाता है। और किसी भी शख्स की जिंदगी में ये टीनेज ग्रुप, टीनेज का जो जमाना होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी जमाने में अगर आप अपने आप पर गौर करें तो आप 10वीं और 12वीं, उसके बाद आप किस कॉलेज में आगे पढ़ना चाहते हैं, किस जॉब पर जाना चाहते हैं, वो इसी एज में डिसाइड होता है। तो उसी से बना हुआ है ये वर्ड टीनेजर्स। और उसमें एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, अभी हम बात कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी की, और एपोस्ट्रॉफी एक पंक्चुएशन मार्क्स भी होता है, एक पंक्चुएशन मार्क है जो ये टीनेजर के बाद एस लगा हुआ है, उसे एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है का, जिस वर्ड के साथ लगा हुआ हो उसका। तो यहां पर हो गया टीनेजर्स, यानी एक नौखेज उम्र लड़के या लड़की की। प्रेयर, प्रेयर जो है वो दुआ को कहते हैं, इबादत को कहते हैं, कि आप ही की तरह 10वीं जमात के जो बच्चे हैं उन्हीं की तरह एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो गॉड से किन चीजों की ख्वाहिश रखता है, किन चीजों के लिए वो दुआ मांगता है। और एक चीज और यहां ध्यान रखें कि जब कोई नज्म हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी हमारे लिए हिदायत की बातें होती हैं,
कि अगर आपको नहीं समझ आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो इस पोएम में जो बच्चा या बच्ची जिस तरह से बातें कर रही है, दरअसल वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हमें भी इसी तरह गॉड से दुआ मांगनी चाहिए। तो ये था टाइटल, अ टीनेजर्स प्रेयर। अब शुरू करते हैं हम पोएम। एक एक स्टांजा आपके सामने आ रहा होगा और उसे हम समझते चलेंगे। फर्स्ट स्टांजा हमारे सामने आ रहा है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। अगर सबसे पहले बच्चे यहाँ पर अभी जैसा हम देख रहे थे राइमिंग वर्ड्स वाली बात यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स मेक और टेक यूज किया हुआ है ना। तो स्टांजा के मीनिंग की अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग क्या होता है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। बिगिनिंग्स कहते हैं शुरुआत को, कि हर आने वाला दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। और जब शुरुआत नई है तो उसमें क्या होता है, डिसीजंस आई मस्ट मेक, जहां पर हमें फैसला करना होता है कि हर आने वाला दिन एक नए काम को, एक नए चुनौती को लेकर आता है, एक नए महास को लेकर आता है, जहां पर हमें फैसला करना होता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। उसी को दूसरे वर्ड्स में कहा हुआ है, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, कि मैं वो अकेला यानी मैं वो वाहिद शख्स हूं जिसे ये फैसला करना है कि मैं किस रास्ते पर चलूंगा ना, किस रास्ते पर मैं अपनी चलूंगा से मुराद यहां पर ये मेटाफर यूज किया हुआ है कि मैं कौन से तरीके को इख्तियार करूंगा। जैसे एक मिसाल अगर हम लें कि हर आने वाला दिन आप अपने स्टडीज के बारे में अगर गौर करें कि आप इतनी स्टडी करते हो और आप ही की तरह के कुछ फ्रेंड्स हैं जो स्टडीज पर इतना फोकस नहीं करते, तो आपके ऊपर है कि आप जब एक दिन आप सोकर उठते हैं तो आपको ये फैसला करना है कि आज मुझे स्टडी करनी है या नहीं करनी है, ये आपको तय करना होता है। तो एक टीनेजर की यहां पर बात चल रही है, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू द ग्रेट सक्सेस और ट्रेवल डाउन द डार्कन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। देखिए जो अभी स्टांजा में लास्ट लाइन थी, टेक द रोड, तो यहां पर उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि आई कैन चूज द टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, कि मैं ऐसे रास्ते का इंतखाब कर सकता हूं जो कामयाबी की तरफ जाता है, जिससे मुझे कामयाबी मिलने वाली है। या फिर एक दूसरा रास्ता भी है, वो दूसरा रास्ता कौन सा है, वो अंधेरे वाला रास्ता है, डार्कन्ड रोड। और वो डार्कन्ड रोड क्या करेगा, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जो मुझे परेशानी में डालने वाला है, यानी मुझे वहां कोई कामयाबी कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उससे मुझे परेशानी ही मिलने वाली है। तो यहां पर दो अलग अलग तरीके से दोनों ऑप्शंस बता दिए गए कि एक ऐसा रास्ता है जो सक्सेस की तरफ जाएगा और एक ऐसा रास्ता है जो डिस्ट्रेस यानी परेशानी की तरफ जाएगा। यहाँ पर भी सक्सेस एंड डिस्ट्रेस ये दोनों राइमिंग वर्ड यूज किए हुए हैं और दोनों की लाइन्स सिमिलर यूज की गई है, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और दूसरे के बारे में है दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। तो दो तरह की जिंदगी में फैसले होते हैं, एक ऐसा फैसला जो कामयाबी की तरफ जाएगा और एक ऐसा फैसला जो परेशानी यानी नाकामी की तरफ जाएगा, जो अंधेरे वाला रास्ता होगा। नेक्स्ट स्टांजा में कहते हैं कि प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यहाँ पर अब गौर गॉड को एड्रेस कर रहे हैं कि ओ लॉर्ड, डियर लॉर्ड, कि ए प्यारे खुदा, प्लीज ओपन अप माय आईज, मेरी आंखों को खोल दीजिए।
यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड से कि ओ गॉड प्लीज ओपन अप माय आईज। अब आंखें खोलने का मतलब क्या हुआ? दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं चीजों को साफ साफ देख सकूं, यानी मैं जो भी फैसला करने जा रहा हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ, उस काम को करने में मेरा फायदा है या नहीं है, मैं उन चीजों को क्लियरली देख सकूं, यानी उसको समझ सकूं कि वाकई मेरे लिए इस काम को करना सही होगा या नहीं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, कि अब गॉड से दुआ कर रहे हैं कि ओ गॉड हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, कि जो राइट है यानी जो हक है, मैं उस हक बात के लिए खड़ा हो जाऊं। एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं उनमें से जो बेहतरीन सलाहियतें हैं उसे ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब मुझे अता कीजिए, यानी हर इंसान में अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं, जब किसी को मौका मिलता है तो वो उन सलाहियतों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कामों को अंजाम देता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो मेरी सलाहियतें हैं उसे उजागर कीजिए, उसे बाहर निकालिए, ताकि मैं अच्छे तरीके से फैसला कर सकूं और कामों को अंजाम दे सकूं। नेक्स्ट स्टांजा में कहते हैं कि हेल्प लॉर्ड टू से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। अगेन यहाँ पर गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, चूंकि पूरी ही पोएम एपोस्ट्रॉफी की एग्जांपल है, तो वो कहते हैं हेल्प लॉर्ड टू से नो, कि गॉड मेरी हेल्प कीजिए व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। टेम्पटेशन कहते हैं लज्जतों को, ख्वाहिशात को, कि जब ख्वाहिशात यानी लालच तमन्नाएं मेरे अंदर उभर रही होगी। ऐसा बहुत मरतबा होता है कि जब हम स्टडी के लिए बैठे, जैसे आजकल की अगर हम बात लें तो आप अभी टेंथ में हैं, आप स्टडीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट मैचेस में इंटरेस्ट होता है, वो देखना चाहते हैं। ऐसे में जब आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो और आपके सामने क्रिकेट मैच का तस्करा हो जाए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ टेम्पटेशन, वो एक किस्म का लालच और ख्वाहिश होती है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब ख्वाहिशात मेरे सामने आ जाएं, तो मुझे मदद कीजिए कि मैं उसे नो कह सकूं, यानी मैं उसे मना कर सकूं, उससे अपने आप को रोक सकूं। दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, कि मैं अपने जिस्म को साफ सुथरा रख सकूं। कीप बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, कि मैं उन टेम्पटेशन यहाँ पर असल में जब जितने भी गुनाह होते हैं वो ख्वाहिशात की बुनियाद पर ही होते हैं, और जब हम गुनाह करते हैं तो दरअसल हम अपने जिस्म को सिया करें ना, आपने हमारे मजहब में भी बात आती है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया दाग लग जाता है, और जितना गुनाह करता जाता है इतने दाग उसके दिल पर बनते जाते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं उनका पूरा दिल ही सियाह हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरफ एक इशारा है कि जब ख्वाहिशात मुझे किसी गुनाह की तरफ उकसाती हैं, तो मैं उस गुनाह से बच सकूं, उसे मैं ना कह सकूं। दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, कि जब मैं उन गुनाहों से उन ख्वाहिशात से बचूंगा तो फिर क्या होगा कि मैं अपनी जिंदगी, अपनी आने वाली जिंदगी में अपने आप को सेहतमंद और साफ सुथरा रख सकूंगा, यानी मैं ख्वाहिशात और गुनाहों से बचा हुआ रहूंगा। देन लास्ट स्टांजा है, व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी What life is lived its very best with you walking next to me. ना यहाँ पर लास्ट स्टांजा में कह रहे हैं कि when my teenage years are over, जब मेरे टीनेज के साल ओवर हो जाएंगे, यानी मैं टीनेज
ग्रुप से बाहर निकल जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो उस वक्त आई नो दैट आई विल सी, फिर उस वक्त मैं देखूंगा दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, के जिंदगी जो मैंने गुजार दी है टीन एज में, जो वक्त मैंने गुजारा है वो मैंने बेस्ट तरीके से गुजारा है, बेहतरीन तरीके से गुजारा है, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, जब आप मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे साथ चलने का मुराद कि जब खुदा की रहमतें, खुदा की नेमतें मुझ पर बरसती रही और मैं अपने उस टीन एज से निकल गया, तो वो टीन एज की जिंदगी को बाद में मैं एक रश्क करूंगा ना, कि मैंने बहुत अच्छे से ये टीन एज की लाइफ गुजार दी, उसमें मैंने अपने आप को ख्वाहिशात से बचा के रखा, अपने आप को फालतू और गलत चीजों से रोका, मैंने जो भी फैसले किए मैंने सही फैसले किए, जो हक बातें थी मैं उन हक बातों पर खड़ा रहा। इस तरह एक एक स्टांजा में वो इन बातों को कह रहे थे और लास्ट में वो अपने टीन एज लाइफ मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, गॉड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि गॉड ने उनको सही रास्ता दिखाया। लास्ट स्टांजा के आखिर में यहाँ पर पोएट का नाम लिखा हुआ है जे मोर्स, जो इस पोएम के पोएट हैं, है ना। जे मोर्स ने यहाँ एक टीनेजर बच्चे की तरह उसके फीलिंग्स को हमारे सामने पेश किया। पोएम को एक्सप्लेनेशन के बाद उसके आगे हमारे बुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। उन एक्टिविटीज में हम एक एक्टिविटी यहाँ पर ले रहे हैं जो कि है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम इससे पहले आपने नाइन्थ में किया है, यहाँ पर आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आता है। 5 मार्क्स में आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, उन 5 पॉइंट्स को आपको पोएम की मदद से कंप्लीट करना है। आमतौर से जो पॉइंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम टू अप्रिशिएट द पोएम। पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, पहला पॉइंट है टाइटल। तो अभी जब हम पोएम शुरू कर रहे थे उससे पहले हमने देखा कि पोएम का टाइटल क्या था, हमने समझा, तो पोएम का टाइटल आ जाता है अ टीनेजर्स प्रेयर। टाइटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पोएट या ऑथर का। तो पोएट या ऑथर, अभी हम बात कर रहे थे कि लास्ट में बिल्कुल अलग से इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ था, तो यहां पर इस पोएम के पोएट हैं जे मोर्स। उसके बाद अगला पॉइंट है राइम स्कीम। बच्चों राइम स्कीम आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जिन्हें नहीं पता तो मैं उनके लिए एक बार रिवाइज कर दूं। राइम स्कीम का मतलब होता है पूरे पोएम में राइमिंग वर्ड्स किस पैटर्न में आ रहे थे। तो राइमिंग वर्ड किस पैटर्न में आ रहे हैं, तो आप देखिए जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से उसे हम स्मॉल लेटर ए बी सी डी इस तरह से उसको नाम देते हैं। जैसे यहां पर 4-4 लाइन के स्टांजा थे, तो हम पहली लाइन को नाम देंगे लेटर ए, फिर दूसरी लाइन को लेटर बी। यहां पर लेटर बी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए पहली लाइन और दूसरी लाइन के लास्ट जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग नहीं है, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लेटर जो तीसरी लाइन है वो भी राइम नहीं हो रहा है। जब राइम नहीं हो रहा है तो उसे भी नया नाम देना होगा, तो उसे हम नाम देते हैं लेटर सी। इस तरह हमारा राइम स्कीम क्या हो गया, 3 लाइनों में ए बी सी। अब फोर्थ लाइन में अगर देखें तो फोर्थ लाइन का जो वर्ड है वो सेकंड लाइन के वर्ड से राइम हो रहा है। जहां पर भी पोएम में राइमिंग वर्ड्स आ रहे होंगे उन दोनों लाइंस को सेम नाम देना होगा। तो सेकंड लाइन को हमने बी टाइटल नाम दिया हुआ है, तो यहां पर चौथी लाइन को भी, फोर्थ लाइन को भी जिसमें राइमिंग वर्ड आ रहा है उसे भी हम बी का नाम ही देंगे। तो इस तरह हमारे इस पोएम में फर्स्ट स्टांजा में राइमिंग हो जाते हैं ए बी सी बी। और एक चीज याद रखनी है
कि जब सेम लाइन वाले स्टांजाज आ रहे हैं तो उसमें राइम स्कीम का जो पैटर्न है पूरे पोएम में सेम रहेगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं हर स्टांजा में इसी तरह से ए बी सी बी ये राइमिंग स्कीम यूज किया हुआ है, तो हमारे पोएम का राइम स्कीम हो जाता है ए बी सी बी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है योर फेवरेट लाइन। यहां पर ये क्वेश्चन कभी कभी चेंज होकर आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया अगर पूछा जाएगा तो उसका जवाब अलग होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है योर फेवरेट लाइन, तो फेवरेट लाइन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने अपनी पसंद की एक लाइन लिखी हुई है ना, जो लास्ट की दो लाइन से है। आपको पूरे पोएम में जो लाइन अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल पॉइंट या थीम पूछा जाएगा तो उसमें आपको फिर उसका जवाब अपने सेंटेंस में लिखना होगा। द पोएम इज अबाउट अ टीनेजर्स प्रेयर वेयर अ टीनेज स्टूडेंट इज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड, है ना। इस तरह से आप वहां सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर बहुत सारी फिगर्स आ रही थी लेकिन एक जो सबसे डोमिनेंट फिगर है जिसका रेफरेंस शुरू में भी दिया हुआ है तो हम उसे ले रहे हैं एपोस्ट्रॉफ, है ना, जहां पर गॉड को एड्रेस किया हुआ है। और गॉड को एपोस्ट्रॉफ में क्यों लिया गया, क्योंकि गॉड हमें नजर नहीं आते, वो हमारी बातों का अल्फाज के जरिए जवाब नहीं देते, है ना, बल्कि वो सुपर पावर है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए असबाब पैदा कर देते हैं, वो हमारी तरह बात नहीं करते लेकिन वो हमारी जरूरतों को जब हम उनसे हाजत रवाई करते हैं दुआएं करते हैं तो वो पूरा करते हैं। तो इसलिए यहां पर उनको एपोस्ट्रॉफ में ओ लॉर्ड हेल्प मी इस तरह से जो कहा गया है ना, तो ये एपोस्ट्रॉफ की एग्जांपल है। इसके अलावा और भी फिगर्स उसमें आ रही है, जैसे उसमें एलिट्रेशन यूज किया हुआ है ना, एलिट्रेशन जहां पर एक ही लाइन में दो वर्ड्स सेम लेटर से शुरू होते हैं, तो ऐसा यहां पर भी इस पोएम में हो रहा था। उसके अलावा और भी फिगर्स इसमें हो सकती हैं ना, लेकिन हमें कोई एक लिखना होती है और हर पोएम में एक फिगर ऐसी है जो डोमिनेंट है, तो आपको कम से कम वो एक याद रहना चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच पर हमारा एक अलग से वीडियो बनेगा, वहां पर हम डिटेल में तमाम फिगर्स के बारे में समझेंगे। तो ये था हमारा एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये वीडियो आप बीएमसी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दुश्वारी आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे, उसमें कुछ सवाल हैं उन सवाल के जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।